तो यार आ चुका हूँ एक और न्यू इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो लेकर के। ऐसा स्टेटस वीडियो आप अपने फोटो के साथ में बना के अपलोड करोगे ना यार, आपके बहुत ज़्यादा व्यूज आने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसा स्टेटस वीडियो को इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ और मेरे खुद के बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि मेरे वीडियो लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते यार। तो गाइस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अब आपको VN एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जब अब इसको ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। प्लस के ऑप्शन पर जाना है और आपको इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ से अपने कितने बेस्ट फोटोज़ को ऐड कर लेना है, कितने आपको कम से कम यहाँ पर आपके 19 फोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है, 18 फोटोज़ को ऐड कर लेना। चलो ठीक है, अब जैसे कि चलो मैं यहाँ से 18 फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं रोहित के ही कुछ फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो मैंने 5 फोटोज़ को ऐड कर लिया, ठीक है। अब 5 फोटोज़ को ऐड करने के बाद मेरे पास कुछ फोटोज़ यहाँ से हैं, तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से कितने, अब जैसे कि मैं यहाँ से 15-17 फोटो 16 फोटो ऐड कर लिए मैंने, ठीक है। अब 16 फोटो ऐड करने के बाद मैं यहाँ से प्लस के ऑप्शन पर जाऊँगा, वीडियो को डिलीट करूँगा और प्लस के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से 2 फोटोज़ को और ऐड कर लूँगा, ठीक है। चलो जैसे कि मैं यहाँ से इन 2 फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ से 18 फोटोज़ को ऐड कर लिया। अब यहाँ से फोटो ऐड करने के बाद में ना आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ना देखो इस तरीके से आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सारे फोटोज़ को आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूज़िक पर जाना है और आपको म्यूज़िक पर जाना है और आपको यहाँ से उस वीडियो को ऐड कर देना है, ठीक है। आपको प्लस के ऑप्शन पर जाना है, आपको एक्सट्रैक्ट एंड वीडियो पर जाना है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा कट करके बता देता हूँ, पर आपको ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगा और आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। अब ये वीडियो यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बीट के साथ में अपन को ऑडियो के ऊपर बीट को ऐड करना है। अब आपको बीट के अंदर ऑडियो का कैसे ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो जैसे कि मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो जैसे कि अभी देख सकते हो आप पहला जो बीट आता है ना वो आता है 1 सेकंड 18 सेकंड पे, ठीक है, 1.18 सेकंड पे। तो अपन को 1 सेकंड 1.18 सेकंड पे कैसे जाना है, अपन को जैसे कि यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, जैसे कि 1 सेकंड और 58 पे आ जाता हूँ मैं, जैसे कि जब मैं आ चुका, ठीक है। अब जैसे कि मुझसे ये गलत हो गया, लेकिन मैं वापस से 1 सेकंड 58 पे आ जाऊँगा मैं, जैसे कि जब मैं आ गया, ठीक है। अब जैसे कि इस तरीके से आपको भी आ जाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको आ जाना है। जैसे कि पहला बीट लग गया, इस तरीके से आपको ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि अभी देख सकते हैं पर 1.58 पे आपको आना था, जब मैंने 1.58 पे एक बीट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब सेकंड बीट कब आता है, सेकंड बीट आते हैं यहाँ पर 3.33 पे, ठीक है। अब जैसे कि है 3.33 सेकंड पे, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 3. अभी इससे पर आ जाऊँगा, तो इस तरीके से आपको भी इस तरीके से कट कर देना है, ठीक है। जैसे कि तुम अभी देख सकते हो, ठीक है, जब मैंने एक और बीट ऐड कर दिया। अब आपको ना इस तरीके से सब ऑडियो मतलब पूरे ऑडियो के अंदर आपको सारे बीट को ऐड कर देना है। अब आपको कैसे ऐड कर देना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको 1.58 3.33 और 4.23 और 4.60 और 5.04 और यहाँ पे देखो 6.78 और 7.748, इस तरीके से आपको सबके अंदर एडजस्ट करते चले चले आना है। सबके अंदर आपको बीट ऐड कर देना है, जैसे कि तुम देख सकते हो। चलो जैसे कि मैं जल्दी से सबके अंदर बीट को ऐड कर लेता हूँ। अब अगर जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने सारे फोटोज़ के अंदर मतलब सारे ऑडियो के अंदर जो बीट को ऐड कर दिया, ठीक है, सारे बीट मैंने ऐड कर दिए। बीट ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेना है। जूम आउट करने के बाद में आपको इस फोटो पर क्लिक करना है और आपको इस फोटो को ऐड करके यहाँ पर इस तरीके से जो बीट है ना यहाँ पर ऐड कर देना है। जहाँ पर बीट होगा ना वहाँ पर ये ऑटोमेटिक आकर रुक जाएगा, ठीक है, वाइब्रेट होगा। तो आप समझ जाना बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर ये ऐड हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि सेकंड वाले को मैं ऐड करता हूँ, तो ये इसके अंदर यहाँ पर बीट होगा, जहाँ पर बीट होगा ना आपको वहाँ रोक देना है, क्योंकि इसके अंदर यही अच्छा ऑप्शन है, बीट आती है मतलब वहाँ पर ही ऑटोमेटिक रुक जाता है और फिर रुकने के बाद वाइब्रेट होता है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर बीट है, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी के अंदर इस तरीके से बीट को एडजस्ट कर देना है, जैसे कि तुम अभी देख सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके से आप सारे फोटोज़ को आपको एडजस्ट कर देना है। तो चलो जैसे कि मैं सारे फोटोज़ को बीट के हिसाब से ऐड कर लेता हूँ। आपको ऐड करने के बाद में ना आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इफेक्ट को यूज़ करना है, ठीक है। आपको इफेक्ट यूज़ करना है कौन से फोटो में, सभी फोटोज़ में आपको इफेक्ट यूज़ करना है। वो आपको कैसे यूज़ करना है, मैंने पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। तो चलो जैसे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद में जैसे देख सकते हो, सारे फोटोज़ के ऊपर मैंने इफेक्ट को ऐड करके रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँगा फर्स्ट वाले में कौन सा, सेकंड वाले में कौन सा रखना है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग के अंदर अलग अलग यूज़ करना है, बाकी के अंदर सबको सेम यूज़ करना है। जैसे मैं फर्स्ट वाले फोटो पर जाता हूँ, इफेक्ट पर जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर करेगा एक्सपेंड वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सपेंड वाला कर देना है और यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है, ऐसे। तो आपको फुल ऐड कर देना है, यहाँ से जितना ऐड हो वहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपको एक्सपेंड वाला कर देना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड वाले फोटो के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको इफेक्ट्स पर जाना है, आप सेकंड फोटो पर जाना है, इफेक्ट्स पर जाना है, और आपको फर्स्ट के अंदर यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी रखनी है, आपको ये याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको इसकी लेंथ रखनी है 0.20, ठीक है। जैसे कि आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि तुम देख सकते हो,
जैसे कि यहाँ पर इस हिसाब से आपको ऐड कर देना, ठीक है। जब ये स्टार्टिंग में आएगा ना तो यहाँ पर एक साउंड होता है, यहाँ पर ये ब्लिंक करेगा, ठीक है। अब सेकंड वाले फोटो के अंदर आपको जाना है, आपको सेकंड वाले फोटो में जाने के बाद में आपको एफएक्स पर जाना है और यहाँ पर आपको जिप्टर डाउन वाला कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको थर्ड वाले पर जाना है, याद रखना है आपको, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ तो आप इसको लिख करके रख लो, ठीक है। अब इसके अंदर या फिर आप इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर जाना है, ठीक है। आपको एफएक्स पर जाना है और आपको वापस एक्सपर्ट वाला कर देना है। मैंने आप जो आपको मैंने बीट का जो मैंने आपको लिंक देना, मतलब जैसे फोटो देना है स्क्रीनशॉट के कहाँ कहाँ बीट है उसके नीचे, ये ना मैं आपको फर्स्ट इसके बराबर बराबर में आपको भी लिख के दे दूंगा मैं इफेक्ट वगैरह, ठीक है। वो तो मैं अभी भूल गया, लेकिन आप जो स्क्रीनशॉट देखोगे ना डिस्क्रिप्शन में जाकर के, तो उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर सभी के लिंक के साथ में वो ऐड कर दूंगा जो जो भी आपको इफेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि वाले में अपन को एक्सपर्ट वाला करना है, अब इसके बाद वाले में आपको क्या करना है, आपको इफेक्ट पर जाना है और आपको यहाँ पर शेक वाला कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में वापस आपको जाना है, इसके अंदर जाके आपको यहाँ पर वापस से वही वाला यूज़ करना है, इफेक्ट पर जाना है और ये वाला आपको ब्लैक वाला कर देना है, ठीक है। इस तरीके से, और इसकी लेंथ आपको यहाँ पर इसकी इस तरीके से ऐड कर देनी है, ठीक है, ताकि ये बिलिंग करेगा, यहाँ पर भी एक साउंड होता है फिर यहाँ पर ये बिलिंग करता है, ठीक है। इसके बाद में अपन को वापस से एक और जाना है और इसके बाद में अपन को यहाँ पर करना है जूम आउट वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर जाना है, फिर आपको इसके अंदर जाके ये वाला यूज़ कर लेना है स्लाइड वाला, स्लाइड राइट वाला, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये वाला यूज़ कर लेना है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर, इसके बाद आपको शेक वाला, ठीक है, शेक वाला करना है ओनली, ठीक है। इसके बाद अपन को करना है वापस से जाके आपको यहाँ पर इफेक्ट पे जाके और अपन को यहाँ पर करना है स्विन इन वाला, ठीक है। अब इसके बाद में सभी के अंदर स्विन इन वाले होंगे, ठीक है। अब सबके अंदर आपको एक ही यूज़ करना है, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में अलग अलग करने थे, अब यहाँ पर अपन को वापस से सबको अंदर एक स्विन इन वाला ही करना है, सिर्फ स्पिन वाला, ठीक है, सॉरी स्पिन वाला करना है आपको, ठीक है, ये स्पिन इन वाला, ठीक है, स्पिन इन वाले पे कर लेना है आपको यूज़, सभी के अंदर स्पिन इन वाला यूज़ करना है और आपका जो साउंड है ना बीट के साथ में फोटो के अंदर इफेक्ट के साथ में बहुत ही मस्त लगने वाला है। इसके बाद आपका स्टेटस वीडियो बन जाएगा, तो आपको क्या करना है अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और आपको वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना है। तो यार गाइस इतना था इस वीडियो